अभी आप देखते होंगे किसी का जमीन कोई कब्जा कर लिया, किसी का कोई घर कब्जा कर लेता है, तो जिसके पास ताकत वो कर लेता है। आज कुछ लोग हमारे भी घर को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग के पास जब तक शरीर में सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह बोचहा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत हो रही है। आज वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी भी अपने समर्थकों के साथ बोचहा पहुंचे हैं। बाइक रैली करते हुए पटना से निकले मुकेश सहनी जब बोचहा पहुँचे तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। तैयारी तो पूर्व से ही क्षेत्र में हम लोग तैयार, संगठन पार्टी सब मजबूती से काम कर रहे थे। इससे पहले चुनाव जीते भी थे, उसके बाद हमारे प्रत्याशी का निधन होने के बाद जो सीट खाली हुआ उसके बाद ही हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। और आपने देखा कि कल शाम में ही हम लोगों ने प्रत्याशी फाइनल किया है, तो अभी कल नामांकन है, तो इसी के लिए मैं आ गया हूँ समीक्षा करने के लिए कल किस तरीके से कैसे तैयारी करके नामांकन पहले किया जाए और उसके बाद आगे का प्रक्रिया जो है वो सब जनता के बीच में हम लोग उतरेंगे मैदान में। तो यही सब प्रत्याशी थे, वो राजद के कद्दावर नेता माने जाते थे, ऐसे में पाला बदल लिया क्योंकि उन्हें वहाँ से टिकट नहीं मिला, क्या कहेंगे वहाँ, क्योंकि बुजुर्ग नेता हैं और किस तरीके से। नहीं, हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पार्टी को मजबूती देने के लिए रमेराम जी हमारे साथ आए हैं, उनकी सुपुत्री का हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं और इनका एक अपना अनुभव है। जब हमारी जन्म नहीं हुआ उससे पहले से विधायक है, 1972 से ही विधायक है, 9 बार विधायक बने हैं। हमारी जन्म तो 1981 में हुआ, 1972 में विधायक बने हैं। तो इनका अपना किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कितना बड़ा क्षेत्र है, कितने लोग हैं, बाय है के घर के लोगों को जानते हैं, तो इनके लिए तो बहुत ही आसान है चुनाव यहाँ पे लड़ना और जीतना। और हमारी पार्टी का पूरे ताकत हम लोग लगाएंगे तो आराम से सुनिश्चित है कि यहाँ पे चुनाव हम लोग जीत के जाएंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आपका मंत्री पद जाने वाला है और आपकी दुर्गति होने वाली है, बीजेपी कई नेता ऐसी बात कह रहे हैं, अजय निषाद लगातार आपके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। उनका समय है, बोले हमारा भी समय आएगा, आपका भी समय आएगा, लेकिन एनडीए में है कि नहीं ये बता दीजिए। एनडीए में है, सरकार में है, मंत्री है, सब चीज है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, जनता का उम्मीद पे हम लोग खड़ा उतर रहे हैं। बाकी जिनके पास जो ताकत होता तो वो तो अपनी ताकत का एहसास तो कराते हैं लोगों के बीच में। अभी आप देखते होंगे किसी का जमीन कोई कब्जा कर लिया, किसी का कोई घर कब्जा कर लेता है, तो जिसके पास ताकत वो कर लेता है। आज कुछ लोग हमारे भी घर को कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग के पास जब तक शरीर में सांस है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, कोशिश करेंगे कि घर कब्जा ना होने दें, ठीक है। तो हम लोग मजबूती से हैं और घर कब्जा होने नहीं देंगे। कुछ लोगों का समय है, बोले ये चुनाव के 16 तारीख के बाद उनका समय खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि मुकेश सहनी साफ कर रहे हैं कि अभी हम बिहार सरकार में हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी के घर पर कब्जा होता है तो वो उसे बचाने की हर कोशिश करता है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने घर को बचाएंगे ही। इसके साथ ही रमई राम को लेकर उन्होंने कहा कि रमई राम बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से वो विधायक रहे हैं, तो ऐसे में जो उनका अनुभव है वो काफ़ी काम आने वाला है। इसके साथ ही हम लोग उनका समर्थन करेंगे तो जीत सुनिश्चित है। तो मुकेश सहनी बोचहा पहुंच चुके हैं और राजनीति अब काफ़ी तेज है, अपने प्रत्याशी गीता देवी के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, और मुकेश सहनी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। धन्यवाद।